और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगर पहुंचे हैं गड़वाघाट आश्रम के बाद, जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और एक जन भीड़ यहां पर भी मौजूद है लोगों की, और सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री बढ़ते हुए लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक घर जाने का भी उनका कार्यक्रम है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस चौक पर जहां प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति जो चौराहे पर लगी है उस पर माल्यार्पण किया, और इसके बाद अब ये उनके घर के अंदर का दृश्य आप देखेंगे ये स्क्रीन पर आपकी, जहां पर उनके बेटे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए आप, बनारस के बाहर का ये इलाका, वैसी ही तंग गलियां, ऊंचे कच्चे पक्के मकान और बगैर बाउंड्री की छतें, ये सब कुछ है जो इस इलाके को एक पहचान देता है। लेकिन ये इलाका खास तब हो जाता है जब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, गुदड़ी का लाल कहा जाता है, गुदड़ी का लाल, लाल बहादुर शास्त्री नन्हे के नाम से बचपन में उन्हें उनकी माँ पुकारा करती थी, और यही गुदड़ी का लाल एक दिन पढ़ लिख कर बना देश का प्रधानमंत्री। और अपने प्रधानमंत्री तो काल में जितनी समस्याओं से लाल बहादुर शास्त्री जूझे, वो भी अपने आप में जूझने के बाद जिस तरीके से उन्होंने उससे देश को निकाला, वो भी अपने आप में अलौकिक है, अपने आप में अविस्मरणीय है। सूखा पड़ा, पाकिस्तान ने हमला किया, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, और ये जय जवान जय किसान का नारा ही था जिसने देश को एक ऐसे एकता सूत्र में पिरो दिया कि भारतीय सेना जाकर मोर्चे पर डट गई, और उस समय की आबादी करीब 40 करोड़ का हिंदुस्तान, अपने घर से लोगों ने सोना चांदी नगदी अनाज क्या नहीं था जो देश की सेवा में लगा दिया। चूंकि अकाल भी उसी दौर में पड़ा तो लोगों ने एक टाइम ही खाना शुरू किया, एक समय का भोजन, एक समय उपवास रखना शुरू कर दिया प्रधानमंत्री की कॉल पर, लाल बहादुर शास्त्री की कॉल पर। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बताती हैं कि कोई व्यक्ति कैसे महान बनता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाल बहादुर शास्त्री एक डमी कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि सियासत आप देखिए कि वही डेमी कैंडिडेट कांग्रेस का लीडर हो जाता है, और न सिर्फ लीडर होता है बल्कि देश की कमान अपने हाथ में लेता है, और सिर्फ कमान ही देश के हाथ में नहीं लेता, देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है, देश के भीतर उपजी हुई समस्याओं को दूर करता है, लोगों से अपील करता है। आज एक ऐसी महान शख्सियत के दरवाजे पर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पहले चौक पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और इसके बाद वो अब शास्त्री जी के घर की तरफ आगे बढ़ गए। लोगों की भीड़ है, लोग अपने प्रधानमंत्री को एक बार देखना चाहते हैं, वो अब तक लाल बहादुर शास्त्री पर गर्व करते आए हैं, और ये मौके ऐसे होते हैं ये बात, और जूते उतारे हैं प्रधानमंत्री ने, लाल बहादुर शास्त्री के घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते बाहर ही उतार दिए हैं, नंगे पैर दाखिल हुए हैं नरेंद्र मोदी, और संभवतः जब पुष्प वर्षा हो रही थी उस समय उनके चश्मे के भीतर चला गया, मुझे लग रहा है कोई पत्ती या फूल का टुकड़ा जिसको उन्होंने चश्मा उतार करके पहले साफ किया, फिर अपने जूते उतारे हैं, और अब आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री और भारत माता का भी चित्र लगा है।
लाल बहादुर शास्त्री और भारत, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जय जवान जय किसान, ये आज 125 करोड़ की आबादी और उस समय देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उस समय की आबादी, साधन संसाधनों का अभाव और उस समय गुदड़ी का लाल कैसे देश को अंदर और बाहर की समस्याओं से एक झटके में निकालता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था शास्त्री जी पर, अमेरिका और रूस की वो चाल, ताशकंद समझौता, और उसके बाद उसी समझौते पर दस्तखत की रात ही उनका देहांत। बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, जितना जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा, शास्त्री जी की मौत भी उतनी ही रहस्यमय। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे लोगों ने उनका अनुसरण करने की कोशिश की है, और सबसे ज़्यादा उम्मीद मौजूदा नेतृत्व की भी बन जाती है, क्योंकि जो समय देश चला रहा है वो अपने पूर्वजों से, हमारे देश के उन महान पूर्वजों से क्या कुछ ले सकता है, क्या कुछ सीख सकता है, और उसी का एक ये भी अंश है। लाल बहादुर शास्त्री जी के घर के भीतर उनकी तस्वीरों के जरिए एक, आप उसको मेमोरियल कहते हैं, लेकिन आप उसे संस्मरण, चित्र संस्मरण भी शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं, और इन चित्र संस्मरणों के जरिए उन यादों को ताज़ा करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, जो लाल बहादुर शास्त्री के कहे अनकहे, मिले अनमिले, लिखे अनलिखे पहलुओं से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, क्योंकि तस्वीरें वो बोल जाती हैं, वो यादें समेट ले जाती हैं, जिनसे बहुत सारे शब्द कम पड़ जाते हैं। श्रीधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीधर, बताइए कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, और इस समय किस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है? देखिए, कल ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी ने कल ऑफिशियल रोड शो किया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे तो ऐसा लग रहा था रोड शो अब हो रहा है। इतनी भीड़, और प्रधानमंत्री ने आज किसी को निराश नहीं किया, वो सबको हाथ हिला के सबका अभिवादन किए, सबका आशीर्वाद लिए। लोग यहाँ मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, और अब भीड़ देख सकते हैं, भीड़ यहाँ से लेकर जहाँ तक आप देखेंगे भीड़ ही भीड़ है। लोगों के छत भर चुके हैं, घर भर चुके हैं, पर लोगों की भीड़ नहीं खत्म हो रही। रही बात ये, तो आप सामने देख सकते हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मूर्ति है, जहां पर प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले माल्यार्पण किया। क्या वो शख्सियत थी, क्या वो व्यक्तित्व था जिसने कि आज मजबूर कर दिया देश के प्रधानमंत्री तक को भी कि वो यहां आए, चाहे वो वोट के लिए आए हो, चाहे वो श्रद्धांजलि के लिए आए हो, चाहे सम्मान के लिए आए हो, चाहे जिस चीज के लिए आए हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज यहां आए। तो सबसे बड़ी बात, अब इसे अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के रूप में देखा जाए तो यहाँ के लोगों में सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर था तो शास्त्री जी ही हैं। अगर आप यहाँ के लोगों से बात करेंगे, मैं आता हूँ आपके पास। और इस समय एक ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के घर जाने के बाद प्रधानमंत्री वहां पर बैठ गए हैं, जिस जगह पर उनके चित्रों की एक झांकी लगी हुई है उसी कमरे में प्रधानमंत्री बैठे हैं, और वहां पर ऐसा लगता है कि कुछ धुन भी बजाई जाएगी, कुछ कलाकार वहां पर मौजूद हैं। श्रीधर, अगर इस बारे में कुछ जानकारी हो आपको बताएं। प्रधानमंत्री बैठ Thank you.
तो ये आपने देखा, ये लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी, उनके पाणिग्रहण संस्कार तक उसको लेकर के आए, और ये जीवनी संगीत के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बहुत ही दिलचस्प रोचक अंदाज में रखी गई है, और बहुत अच्छा इसका सुर निकाला गया, इसे सुर दिया गया, लिखा गया, इसे गीत में ढाला गया। श्रीधर का हम एक बार फिर से रुख करते हैं। श्रीधर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी बताई गई है, उनके एक कमरे में उनके चित्रों की प्रदर्शनी झांकी लगा करके, वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसा लगता है कि चूंकि शास्त्री जी अलग थे, उन्होंने वो जो मानक तय कर दिए वो आज भी कायम है। मैंने नहीं देखा इससे पहले कि किसी नेता के लिए इस तरीके से उसकी जीवनी का वर्णन किसी के सामने किया गया हो। देखिए शेखर जी, आप बात बहुत सही कह रहे हैं। बात रही अगर उनकी जीवनी की, तो उनकी जीवनी ही एक संदेश है यहाँ के लोगों के लिए कि कैसे एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो इतने सादे स्तर पर रहे कि उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ के सामने माँ गंगा है। बताया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी अपने सर पे किताब रख के गंगा पार करते थे, तो वो अद्भुत व्यक्तित्व था, वो अद्भुत विचारधारा थी जो मजबूर कर देती है लोगों को सोचने के लिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी हो सकता है क्या। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार नारा जो दिया था, जय जवान जय किसान, कौन भूल सकता है उसे, तो कौन भूल सकता है उन प्रधानमंत्री को जिसे पाकिस्तान हल्के में ले रहा था। उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दिया और देश जो लोग उनको हल्के में समझते थे, ये उनका जीवन एक संदेश है उन सभी लोगों के लिए कि कितना बड़ा व्यक्तित्व थे वो, कि बिना कहे वो सबके लिए एक अपने आप में आदर्श थे। और कहीं ना कहीं बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी एक तरीके से इस मामले के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं कि लोगों के रग को कैसे पकड़े। और वो जितने भी बड़े महापुरुष हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे वो किसी और पार्टी के हों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस महापुरुष को उठा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो कांग्रेस और किसी दूसरे पार्टी के महापुरुष नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष हों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस चीजों को पकड़ रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को पकड़ रहे हैं, इस जगह पर मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि जो जिन्हें महापुरुष कहते हैं वो किसी पार्टी में बांध दिए जाएं, ये राजनीतिक दलों की सोच हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष का जो जनमानस है, जो आम मानस है, उसके लिए महापुरुष किसी भी पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर की शख्सियत होते हैं। और कौन भूल सकता है जब 1956 में रेल दुर्घटना होती है, रेल मंत्री थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री, नैतिकता का वो पैमाना जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये ऐसी मिसालें हैं, ऐसे कृतित्व हैं उनके, जो उनकी शख्सियत को कहां से कहां ले जाते हैं। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि बार बार आप इस गीत में एक शब्द आ रहा है नन्हे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो घर का नाम था, अपने आप पहले एक बाहर का और एक घर का, आज भी बहुत सारे बच्चों के होते हैं, तो उनके घर का नाम था नन्हे। और बार बार आप इस कविता में, इस गीत में सुनेंगे नन्हे नन्हे जिक्र आ रहा है, ये शास्त्री जी का ही नाम है और उनका सम्मान है। जरा सा आनंद ले लीजिए इसका भी। लाल बहादुर